गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में मरीजों को जल्द ही बेड के पास ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अस्पताल में पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है। सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। 330 बेड वाले जिला अस्पताल में हर रोज़ करीब 2000 से 2500 मरीज इलाज के लिए ओपीडी में पहुंचते हैं। गंभीर मरीजों को डॉक्टर इलाज के दौरान भर्ती की सलाह देते हैं। कई मरीजों को इलाज के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाती थी। अब जिला अस्पताल ने बताया कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक रखना और मैन पावर का बोझ कम करना है। जिला अस्पताल के 17 बेड वाले पीडियाट्रिक आईसीयू में ही पाइपलाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति की जाती है। दूसरे विभागों में सिलेंडर से ही सप्लाई की जाती है। ऐसे में वर्ष 2018 में शासन ने अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइप बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शासन ने CSDS को कार्यदायी संस्था के तौर पर चुना। आपको बता दें, बर्न इमरजेंसी, मेल आर्थो मेल, फीमेल आर्थो मेल, सर्जिकल फीमेल सर्जिकल, मेल व फीमेल मेडिसिन, हृदय रोग, बाल रोग, वृद्धावस्था, मानसिक रोग प्राइवेट वार्डों में पाइपलाइन बिछ रही है। जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में पाइपलाइन बिछने का काम चल रहा है। इसमें करीब 4 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद मरीजों को राहत मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, ये प्रोजेक्ट 18-19 वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था और शासन द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन किया गया था और इसका कार्य शुरू हो गया है। लगभग 40-50% के लगभग कार्य हो रहा है। इंडोर के विभिन्न अनुभागों में लगाया जा रहा है और इसके लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 इसके लिए वहाँ मशीन रूम बनेगा, प्लांट जनरेट, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े बड़े रखे जाते हैं और जितने इंडोर है इमरजेंसी से लेके विभिन्न वार्डों में सब जगह इसकी पाइपलाइन दौड़ाई जा रही है और वहाँ पर सब बेड टू बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन की व्यवस्था रहेगी। कब तक पूर्ण रूप से इसका काम पूरा है? इस वित्तीय वर्ष में इसको पूर्ण किए जाने की लक्ष्य है और कार्य आधा हो चुका है। आधा जो उसकी धनराशि अमुक्त हो चुकी है, जो कि कार्यदायी संस्था के खाते में प्रेषित की जा रही है, इसकी कार्रवाई की जा रही है। फिर उनको इस कार्य को पूर्ण करके इस वित्तीय वर्ष में हैंडओवर करना है।